हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी टेक जोन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप 2000 एम्पेयर की बस डक्ट को इंस्टॉल करते हैं अगर वो फॉल्टी हो जाती है उसके बाद जब वो रिपेयर होके आती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम बस डक्ट को इंस्टॉल करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताएंगे। तो इसमें फ्रेंड आप देख रहे हो, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि हम एक बस डक्ट है जो यहाँ पर फॉल्टी हो गई थी और उसको हमने बाद में ड्राई किया। बेसिकली इसमें वाटर लॉगिंग हो गया था, मतलब इसमें पानी चला गया था क्योंकि इसके आसपास में जो है स्प्रिंकलर लाइन लगी हुई है, तो उसमें स्प्रिंकलर लाइन किसी रिपेयर के टाइम पे ब्लास्ट हो गया और इसमें आपका वाटर लॉग हो गया। तो हमने इसको शट डाउन करके बस डक्ट की सप्लाई को, तो हमने इसको ओपन कर लिया था। फिर उसको अब हम ये ड्राई हो गया, हमने इसको टेस्टिंग किया, सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद सारे पैरामीटर चेक किए और वो आपका ओके मिला। फिर जब ये आपका ओके है तो उसके बाद हम अब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं इन हाउस टीम के साथ ही। जो हमारी टीम है वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है क्योंकि इतनी हाइट पे काम करना और सेफली किसी चीज़ को एज इट इज फिट करना, जैसे एक एक्सपर्ट कंपनी के एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि इन हाउस टीम है और ये इन हाउस टीम ही इस बस डक को इसने ओपन किया है और यही इसको इंस्टॉल कर रहे हैं पूरे पैरामीटर इसके ओके चेक करने के बाद। तो फ्रेंड, इसमें अब हम देखते हैं इसको इंस्टॉल करने से पहले कि हमें क्या क्या सेफ्टियों का वो करना होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, हमें बस डक इंस्टॉल करने से पहले, जैसे आप देख ही रहे हो, हमने इसकी जो इनकमिंग सप्लाई है और आउटगोइंग सप्लाई, जहां पे ये इनपुट जाती है और जहां से आउटगोइंग आती है, तो दोनों हमने इसके एसीबी के ब्रेकर रैक आउट किए हुए ताकि कोई भी रिटर्न सप्लाई या डायरेक्ट सप्लाई इसमें ना आ जाए। उसके बाद इसको अर्थिंग किया हमने, अर्थिंग करने के बाद अब हम इस पर काम कर रहे हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। अब काम करते टाइम हमने क्या किया, इसको एक लेवल में लेके आना पड़ेगा ताकि इसके जो इसमें ज्वाइंटर लगते हैं, बेसिकली बस डक्ट है और इसमें जो कनेक्टिविटी होती है एक बस के साथ दूसरी बस की, जैसे हम इसको डक्टिंग करते हैं तो ज्वाइंटर लगते हैं। ज्वाइंटर वो आपके ब्लैक कलर के किसी कलर के होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे आप हाथ में देख रहे हो ये ज्वाइंटर है और ये एक साइड में दो डलते हैं क्योंकि चार सप्लाई जाती है इसमें, जैसे कि आपका रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, चार हो जाते हैं। और इसके नीचे में अर्थ स्ट्रिप भी होती है जो जीआई की होती है। ये भी आपकी एल्यूमिनियम की है बस डक्ट, लेकिन इसमें क्या है, हमने इसलिए लगाया हुआ क्योंकि हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है इस बस डक्ट की, 2000 एम्पेयर की, ये C&S कंपनी की है और बहुत ही कॉस्टली होती है ये। जब अगर आप इसको बाहर से रिपेयर कराते हैं, इंस्टॉल कराते हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, रिपेयर होके आती है लाखों रुपये में। तो हमने ये ओके थी तो हमने अपने आप ही इसको इंस्टॉल कर रहे हैं हम इन हाउस टीम की हेल्प से। अब फ्रेंड, इसमें हमने क्या किया, इसको एक लेवल में किया, पहले लेवल में रख के फिर हमने ज्वाइंटर को डाला है। अब जो ज्वाइंटर है उसको डालते टाइम आपको कुछ सेफ्टियों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब हम उस ज्वाइंटर के थ्रू दोनों को लेवल में करके ज्वाइंटर डालेंगे तो हमें कभी भी किसी MS की चीज़ से उसको नहीं ठोकना है। जैसे कि आप उसको ये बोलोगे हम फिट कर दें किसी हैम्बर के साथ में, तो हमें वुडन का यूज़ करना है रख के, ताकि ये जो ज्वाइंटर है, आपने देखा होगा इन ज्वाइंटरों में आप देख रहे हो कि इंसुलेशन है रबड़ का, वो अगर वो क्रैक हो गया तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब हम देखेंगे तो वो फिर शॉर्ट दिखाएगा और काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड, उसके बाद हम देखते हैं इंस्टॉलेशन में कि चेकिंग के टाइम पे केयरफुली करें इसको हम, नियर बाय कोई भी ऐसी सप्लाई ना हो आपके और आप अच्छे लोकेशन पे ही स्टैंड करके खड़ा हो के अपने आप को तभी इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि ऊपर आपके पास कुछ है नहीं है जिससे इसको रोक लो आप। ये नीचे से ही सपोर्ट दे के इसको रोका हुआ हमने एक रैक के थ्रू और फिर एक लेवल में ले आके हमने इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसके साइडों के कवर भी लगे होते हैं आपको एज इट इज, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ऐसे ही हम इसको फुल इंस्टॉल कर देंगे और रन भी करेंगे। तो इंस्टॉल करने के टाइम पे हम हाइट में है ये, लेकिन ज़्यादा हाइट नहीं है, तीन से लेके चार पाँच फिट का गैप है इस जो टेबल में और उसके, 3 फिट का गैप है, 2.5-3 फिट का जो हमने कवर करके इसमें किया हुआ है, तो उसमें सेफली हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करते ही हम इसमें क्या है, फिर आपका ये फुल अच्छे तरीके से इंस्टॉल करने के बाद ही फिर आपका ये इसको हम रन करके देखेंगे। जब रन होगा तो रन करने के बाद ही पता चलेगा हमें कि हम इसको ओके कनेक्ट किया या नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड,
हम इसमें मैनुअल सप्लाई देंगे, हम इसमें डायरेक्टली ब्रेकर के थ्रू इसमें सप्लाई नहीं देंगे। ब्रेकर से अगर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, आपका ये ब्लास्ट भी हो सकता है, अगर कोई जर्क हुआ या लोड में कहीं पे भी वोल्टेज लीकेज हुई तो हम इसको 1x1 MCB से सिंगल सिंगल फेस को चेक करेंगे, अर्थिंग को चेक करेंगे, अर्थिंग को सब तीनों फेसों को चेक करके न्यूट्रल के साथ, फिर उसके बाद हम ब्रेकर को ऑन करेंगे। और फिर भी हम सिर्फ इसका इन जिस इनपुट में इसकी सप्लाई आ रही है, जहाँ से ये ब्रेकर से इनपुट इसमें आती है वहीं से ऑन करेंगे। आउटगोइंग सप्लाई को हम फिर भी बंद रखेंगे, क्योंकि आउटगोइंग में फिर हमारा आगे भी आउटगोइंग का लोड कनेक्ट है। तो हमें पहले इनपुट से ऑन करेंगे इसको केयरफुली, अगर वो होल्ड होता है कुछ टाइम के लिए, होल्ड होते ही फिर हम उसको 1x1 हम आउटगोइंग का ऑन करेंगे। आउटगोइंग में फिर आगे फर्दर जो आउटगोइंग लगी है उसको लाइटली लोड डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम ये स्टेप टू स्टेप करते रहेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। सेफली इंस्टॉल करके ही ये सारे काम होने हैं। इसमें फ्रेंड आप देख रहे हो जैसे कि इंस्टॉल कर ही रहे हैं, और इंस्टॉल करते करते सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं कि कोई मिस हैपनिंग या गिर ना जाए, क्योंकि ये वेट है और ये हमने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और टेबल के ऊपर रखे होने की वजह से ही थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इसको हमने कहीं पे रोकने के लिए कोई अपर साइड से कोई सेफ्टी नहीं है हमारे पास कि इसको हम हैंग कर लें और ये सेफली लटका रहे यहाँ, तो हमने नीचे से इसको सेफ दिया हुआ है कि लेवल में रहे वो। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपने देख रहे हो कि कैसे ये इंस्टॉल किया जाता है, और हमारी जो इन हाउस की टीम है वो ग्रेटफुली इसको अच्छे से इंस्टॉल करेगी। इंस्टॉल करने के बाद ही ये सब अच्छे से वर्क करेगी और हमने इसको फिर टेस्ट करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फ्रेंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप इसको लाइक करें, और ऐसे ही हिंदी में प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करेंगे, ताकि ऐसी ही अपकमिंग लाइव वीडियो या फिर प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बस डक्ट इंस्टॉलेशन का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद हमने एज इट इज उसको कनेक्ट कर दिया जैसे ओपन किया था, और अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन करने के बाद फिर हम इसको कनेक्ट करके देख आउटगोइंग को लोड पे डाल के देखेंगे। तो फ्रेंड होपफुली ये वीडियो अच्छी है, और आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।